सम्स में नया क्या है, टू पेज नंबर 500 में क्वेश्चन ने बोला था, जेड लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम 2 रुपया, मतलब शेयर कितना था बाबू 50,000 और शेयर था 50,000, दाम कितना था 10 रुपया, प्रीमियम कितना बाबू 2 रुपया, 10 से 2 कितना हो गया 12, 12 का हिसाब दीजिए, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, फर्स्ट कॉल पे कितना 3, फर्स्ट और फाइनल कॉल वही है 9 और 3 कितना हो गया 12, एप्लीकेशन आया 60,000 का, एक्सेस पैसा वापस कर देंगे मतलब रिफंड का एंट्री, एक शेयर होल्डर जो 400 शेयर का मालिक था पेड द फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल इन एडवांस, फिर से वही बात, एक शेयर होल्डर जो 400 शेयर का मालिक था वो एडवांस में दे दिया, अलॉटमेंट के साथ सारा पैसा दे दिया, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, एक शेयर होल्डर एडवांस दे दिया, एक शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया न फाइनल कॉल का पैसा दिया, बस और सवाल में कुछ करना नहीं है, देखिए कितना इजी सवाल है, अब यहां पर देखिए सॉल्यूशन मिलाइए बाबू, पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट कितना बोलिए 1,80,000, कैसे 60,000 × 3, उसके ट्रांसफर करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू करते हैं, कंबाइन एंट्री यहां पे मार दिए हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,80,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000, टू बैंक 30,000, आप ब्रेक करके किए होंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 30,000, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000, ठीक है बाबू, तीसरा एंट्री आइए अलॉटमेंट का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,00,000, 3,00,000 कैसे आ गया, 3,00,000 कैसे हो गया, तो भाई दाम देखिए कितना दिया हुआ 6 रुपया, 50 कितना 50 है ना, 50,000 × 6 3,00,000, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2,00,000 होगा ना, क्योंकि इसमें हमेशा फेस वैल्यू लेते हैं, 6 रुपया में 2 रुपया तो प्रीमियम है, तो 4 रुपया उसका रियल वैल्यू हो गया, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 × 2 1,00,000 खत्म। अब आइए रिसीव जब करने जाएंगे तो झमेला होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 × 6 3,00,000 तो मिलेगा ही, प्लस फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का, मतलब कि 2 रुपया और मिलेगा, 400 शेयर पे एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 400 × 3 कितना होगा 3 रुपया 400 × 3 कितना होगा बाबू 1,200, तो दोनों जोड़ करके 3,01,200, जबकि हमको मिलना कितना चाहिए था 3,00,000, हमको मिल कितना गया बाबू 3,01,200, क्यों, क्योंकि 1,200 मेरा एडवांस हो गया। अब आइए फर्स्ट कॉल में, खत्म इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 रुपया 50,000 × 3, लेकिन जब रिसीव करने जाएंगे तो इसमें क्या हुआ है, इसमें एक शेयर होल्डर है जो पैसा नहीं दिया है, तो जब रिसीव करने जाए, पहला बात तो रिसीव करने जाएंगे तो कम मिलेगा, कम रिसीव करेंगे, कितना रिसीव करने वाले थे हम 400 कम रिसीव करेंगे तो 49,600 × 3, हमको मिलना चाहिए था 1,48,000, देखिए कैसे 1,48,000, 400 तो एडवांस मिल गया था ना, लेकिन जब हम लोग रिसीव करेंगे तो उतना भी पैसा नहीं मिला, काहे क्या है कि एक शेयर होल्डर जो आपका कितना शेयर का मालिक था 600, वो 2 रुपया करके सॉरी 3 रुपया करके मतलब 1,800 रुपया नहीं दिया, तो 1,48,000 आपको मिलने वाला था, काहे क्या कि पहले ले लिए थे ना 1,200 रुपया, तो मिलने वाला था आपको 1,48,800, जिसमें से 12 कितना 1,800 ना 1,800 आपको नहीं मिला, तो आपको मिलेगा कितना बताइए 1,47,000, देखिए 1,48,800 था ना मिलने वाला हमको, हाँ 1,18,000 नहीं मिला, हाँ 1,800 नहीं मिला, तो मिला कितना 1,47,000, बात खत्म। तो देखिए सवाल बहुत सिंपल है कि अगर आपको पहले यहाँ पे रिसीव का एंट्री हुआ, फिर यहाँ पे ट्रांसफर का एंट्री हुआ, फिर यहाँ पे ट्रांसफर का एंट्री हुआ, फिर यहाँ पे रिसीव का एंट्री किए, जब रिसीव का एंट्री किए तो कुछ पैसा एडवांस में मिल गया, ठीक है, फिर जब कॉल का एंट्री किए, फर्स्ट कॉल का एंट्री किए, तो हम लोग को पूरा पैसा ट्रांसफर किए 1,50,000 रुपया, लेकिन जब रिसीव का एंट्री करने जाएंगे तो रिसीव का एंट्री में हम लोग को मिलना कितना चाहिए था 1,48,000, काहे 1,48,800 मिलना चाहिए था, काहे क्या 1,200 तो पहले से आप लेके बैठे हो, एडवांस लेके बैठे हो, उसमें भी आपको कितना रुपया नहीं मिला 1,800, तो कॉल सीन एरिया का एंट्री मार दिया 1,800 का, तो अकाउंट में आया कितना 1,47,000, मतलब एक बंदा ऐसा था जो पैसा एडवांस दे दिया और एक बंदा ऐसा था जो पैसा दिया ही नहीं, तो इस तरह से ये सम्स था। चलिए आपको अगला सम्स होमवर्क